माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला एकादशी के नाम से जानी जाती है। एकादशी तिथि लग रही है 27 जनवरी की रात्रि मध्य रात्रि अर्थात 12 बजे के बाद 28 तारीख लग जाएगी। तो इस हिसाब से 28 तारीख की सुबह 2:16:02 पर लगेगी एकादशी और रहेगी 28 तारीख की रात्रि को 11:35:24 तक। तो 28 जनवरी को षटतिला एकादशी मनाई जाएगी और षटतिला एकादशी का व्रत भी 28 तारीख को ही किया जाएगा। एकादशी का व्रत, एकादशी के दिन पूजन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। तो इस बार शुक्रवार को षटतिला एकादशी पड़ रही है जो कि बहुत ही विशेष है। मां लक्ष्मी को भी ये दिन समर्पित है। इस दिन षटतिला एकादशी का व्रत करने से शुक्रवार व्रत का भी लाभ मिलेगा और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो भगवान विष्णु के साथ साथ तुलसी वृक्ष का पूजन करना चाहिए, देसी घी का दीपक जलाएं, इसी के साथ विशेष रूप से तिल का भोग लगाएं। इस व्रत में खास तिल का किस प्रकार से व्यवहार किया जाए, किस तरह से अपनी दिनचर्या में इसका उपयोग किया जाए, चलिए जान लेते हैं। और साथ ही जानेंगे एक विशेष मंत्र, जिस मंत्र को बोलते हुए अर्घ्य देना है जिससे आपका किया गया उपवास संपूर्ण माना जाएगा। इस दिन 6 प्रकार के तिलों का व्यवहार किया जाता है, इसलिए इसे षटतिला कहा जाता है। इस दिन तिलों के जल से स्नान, तिल का उपटन, तिल से हवन, तिल मिले जल का पान, तिल का भोजन तथा तिल का दान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस दिन काले तिल, काली गाय के दान का भी बड़ा महत्व है। काली गाय का दान ना कर पाए तो काले तिल का दान अवश्य करना चाहिए। व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री कृष्ण इस नाम का मंत्र जाप करें, दिन भर उपवास रखें और रात्रि में जागरण और तिल से हवन करें। तिल से हवन करने का विशेष विधान है षटतिला एकादशी के दिन। भगवान का पूजन करके इस दिए हुए मंत्र से अर्घ्य दें। नैवेद्य में तिल युक्त फलाहारी सामान रखना चाहिए और ब्राह्मणों को भी तिल से भरपूर ही फलाहार खिलाना चाहिए। ये व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। इस दिन व्रत रखने वालों के मन में अगर कोई मनोकामना चल रही हो और काफ़ी समय से पूर्ण ना हो रही हो तो इस व्रत करने से अवश्य ही हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। इस व्रत के संदर्भ में एक कथा भी बहुत प्रचलित है कि एक ब्राह्मणी को भगवत संबंधी व्रतों, उपवासों और पति सेवा के फलस्वरूप वैकुंठ प्राप्त हो गया। उसने कपाली बने भगवान को एक मिट्टी का ढेला दिया था, इसलिए वैकुंठ में उसे सुंदर सा मिट्टी का घर मिल गया। परंतु दान के निमित्त एक दाना भी अन्न किसी को ना देने से उसे वहां अन्न आदि कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तब उसने भगवान की आज्ञा से षटतिला व्रत किया और इसके प्रभाव से उसे सब कुछ प्राप्त हुआ, उसकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हुई। इसीलिए षटतिला एकादशी के दिन विशेष तिल का बहुत महत्व है। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।